आपको मिला है, इससे आपसे सहायता समूह की जो बहने है जिसको आवश्यकता है वो धन को ले, उस राशि को ले, उसको दास है जो भी आपका नियम उसको वापस करें ताकि समूह चलता रहे और हमारे स्तर में भी सुधार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम सुन रहे थे बहने उनको भैया बन रही थी, ऐसा होता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भैया कहना सहज रूप से उनको उनको बहन कहना, कभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी आए थे उनके दर्शन ही नहीं होते थे। तो ये बहनों के भैया है और सभी को सहायता करने वाले मुख्यमंत्री जी है जो सबके बारे में सोचते हैं। अभी लगातार हर क्षेत्र में किसी न किसी को सौगात दी जा रही है, किसी न किसी विभाग को राशि दी जा रही है। अभी कल के गेट के बाद लगातार 24 तारीख के कार्यक्रम चले गए और आप लोगों ने जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि स्व सहायता समूह को हमें स्कूल की ड्रेस भी बनाना है, हमें साबुन भी बनाना है, हमें अगरबत्ती भी बनाना है, जैसे कुछ समूह का जो काम है। अभी जैसे आप लोगों ने अभी बताया है समूह अच्छा काम किया, उन्होंने सैनिटाइजर भी बनाया है, पीपीई किट भी बनाई है, मास्क भी बनाया, आप लोगों ने शायद मास्क बनाया होगा और आप लोगों के मास्क को ही शासन के द्वारा सबको वितरित किया गया है। तो इससे हमारे को कोरोना काल में जो संक्रमण होगा उससे भी बचा हुआ है और आप लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। आगे भी आप लोग किसी प्रकार से काम करते रहे ताकि अभी शायद 1-1 लाख के चेक इसमें और बढ़ते जाते हैं, 5 लाख तक का प्रीमियम भी मिलता है। तो ये आपके समूह के ऊपर निर्भर करता है कि आप समूह को कितना अच्छा चलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 लाख तक का प्रीमियम मिलेगा और आप जैसे बताया गया कि हमारे घर के आर्थिक स्थिति उसमें भी सुधार होगा, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, क्योंकि जो घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो समूह हमारे जो कार्य हम सुचारू चलते हैं। आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग समूह को निरंतर और बढ़िया सफलता के साथ आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों की उन्नति हो, हमारे प्रदेश की उन्नति, हमारे देश की उन्नति। अगर आप आगे बढ़ेंगी, बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारी प्रदेश की सरकार, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत